संसार चक्र के परिभ्रमण से छूट सके, जन्म मरण की अतः वेदना से, अनंत संसार परिभ्रमण से मेरी जीव को मुक्ति मिले, मेरा स्वयं का जीव इस संसार में अनादि अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा, अनादि काल से जन्म मरण कर रहा, इस जन्म मरण की वेदना से मेरा जीव छूटे, इस संसार की यात्रा अनंत जन्म मरण की यात्रा इस पे ब्राह्म लगे, ऐसा उपदेश गुरु महाराज ने दिया। अब बात है उसे अनुभव से स्वीकार कर, उपदेश तो मिल रहा है लेकिन वो अनुभव से स्वीकार हो तो अपने कल्याण का मार्ग बने। अब वो अनुभव कैसे होगा, बस बात इतनी सी है। अच्छा एक बताओ, जब अपन मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची खाते ही अनुभव होता है कि नहीं होता कि चिरपी होता है कि नहीं, तत्काल क्या गजब की बात है। ऐसा नहीं कि संसार में जीव को अनुभव नहीं होता,
आपको व्यापार करने का अनुभव है, आपको घर चलाने का अनुभव है, ठंडी गर्मी भूख प्यास हर हर चीज का अनुभव आपके हमारे जीवन में बढ़ता है। यदि जिज्ञासा में मिर्ची आती है तो तत्काल चिंतापन चिटपिटाहट का अनुभव होता है और उस अनुभव को हम जानते हैं। हम मिर्ची का उपयोग तभी करते हैं जब हमें वो अनुभव चाहिए होता ना। अरे भगवान आत्मा, जब एक मिर्ची का उपयोग करना अपन जानते हैं कि उस मिर्ची का अनुभव अपने को कब करना है, उसकी आवश्यकता हमें कब है, जब एक मिर्ची का अनुभव करना आप और हम जानते हैं, ए जीवात्मा कितनी अच्छी सी बात है कि एक मिर्ची का अनुभव करना, एक मिर्ची की आवश्यकता कब है, जब ये भी हमें पता है तो अनादि काल के इन दुखों से मुक्त होने के लिए, अनादि काल से जो जीव भावमरण कर रहा है राग की भावना से, देश की भावना से, दिन रात जो दिन सुबह शाम विकल्प चल रहे हैं, विकल्प के कारण भावमरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, सुबह से लेकर शाम तक जो भावमरण मेरा जीव कर रहा है, तो अभी तक मुझे एक अनुभव नहीं हुआ क्या? क्या अनुभव? कि जब तक मेरी दृष्टि इन पर पर्याय में बनी रहेगी, जब तक मैं इन संयोगों को अपना मानता रहूंगा, जब तक इन संयोगों के अधीन मेरी बुद्धि बनी रहेगी कि मैं इन बाहर के परिणमन को परिणमन करा सकता हूं, जब तक मेरी बुद्धि इन संयोगों में रहेगी भगवान आत्मा, तब तक अपने अंतर की आकुलता खत्म होने वाली नहीं। सब्जी में मिर्ची उतनी डलती है जितना अपने को अच्छी लगती, लेकिन भगवान आत्मा यहाँ आचार्य तारंग स्वामी की ये जो बात है वो क्या कह रहे हैं कि भगवान जी ये आत्मा की बात, अनुभव की बात तभी अच्छी लगती है, इस आत्मा की अनुभूति की बात तभी अच्छी लगती है, इसका उपयोग उसी को होता है जिसे संसार के इन विकल्पों में दुख महसूस होता है। अनुभव की बात है, यदि आप भाव मरण से छूटना चाहते हो, यदि मेरा आत्मा इस संसार के जन्म मरण से छूटना चाहता है, यदि मेरे जीव को स्वयं मुक्ति चाहिए, तो ये अनुभव की बात है। क्या अनुभव की बात है कि यदि मुझे संकल्प विकल्प से छूटना है तो मुझे निज आत्मा की गायक स्वभाव की शरण में आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है, ये अनुभव की बात है। लेकिन ये अनुभव की बात अपने स्वीकार हो रही है नहीं? पहले तो ही बताओ मुझे अनुभव समझ में आता है कि नहीं आता? अनुभव किसे कहते हैं? आग में हाथ डालेंगे तो हाथ चल जाएगा, चलेगा कि नहीं? ये आपका अनुभव है या नहीं? ऐसे ही सुबह से लेके शाम तक जो विकल्प हमारे अंदर में चल रहे हैं, यदि इन विकल्पों में हमारा उपयोग जुड़ा रहेगा, इन विकल्पों में हमारा चित्त लगा रहेगा, तो हमारा जीव दुर्गति में चला जाएगा, ये अनुभव है कि नहीं? है कि नहीं? आग में हाथ डालेंगे तो, और दिन रात ये बाहर के चलने वाले सुख अशुभ भाव में यदि मेरा जीव जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? तो आग में हाथ डालने से यदि मेरे जीव को ये बोध है कि आग में हाथ डालते ही मेरा हाथ जल जाएगा, ऐसे ही ये अनुभव क्यों नहीं आ रहा कि दिन रात के विकल्पों में यदि मैं जुड़ा रहूंगा तो मेरा ये जीव भी नरक आदि दुर्गतियों में जाके असहनीय वेदना को सहन करेगा, ये अनुभव क्यों नहीं आ रहा? ये अनुभव काम क्यों नहीं कर रहा? आग में हाथ डालने के लिए तो बुद्धि नहीं कहती कभी, कभी कहता है, मन कहता है कि आग में हाथ डाल के देखो? तो भगवान आत्मा, जब अपनी बुद्धि कभी उस आग में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होती तो ये भी तो राग देश की आग अपने चित्त में लग रही है कि नहीं लग रही? दिन रात के राग देश के विकल्प अपने चित्त में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? दिन रात की चिंताओं में संल में अपना जीव लगा है कि नहीं लगा? तो जीवात्मा सुनो तो,
यदि इस प्रकार ही दिन रात की चिंताओं में जुड़े रहे, आकुलता में जुड़े रहे, तो इन बाहर की चिंताओं में लगने से मेरा जीव दुर्गति हो जाए। लेकिन जीव होने का बोध ही नहीं है ना, अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं है ना, स्व आत्मा को स्व तत्व को स्वीकार ही नहीं किया ना, इसलिए ये बोध ही नहीं आता, ये अनुभव ही काम नहीं कर रहा। क्या अनुभव काम नहीं कर रहा? जीवात्मा जब तक इन पर पर्याय में जुड़े रहोगे तब तक इस आत्मा का हित होने वाला नहीं, ये अनुभव काम ही नहीं कर रहा। व्यापार में लाभ कैसे होगा? ये अनुभव काम कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा का अनुभव कब होगा, मेरा कल्याण अर्थात मेरा निर्वाण कब होगा, ये अनुभव काम नहीं कर रहा। मुझे भौतिक सुखों की प्राप्ति कहाँ होगी, ये अनुभव काम कर रहा है, लेकिन मुझे शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा, ये अनुभव काम क्यों, ये प्रश्न कर रहे हैं अभी हम, ये अनुभव काम क्यों नहीं कर रहा बताओ तो। सीधी बात है, जीव अपने आप को जीव स्वीकार नहीं कर पा रहा, जीव को जीव स्वीकार नहीं हो रहा कि मैं जीव आत्मा हूं, जीव को अपने आत्मा जीव को जीवंत होने का बोध नहीं आ रहा कि मैं जीव, जीव अपने आप को क्या मान रहा है कि मैं शरीर हूँ, शरीर जैसा ही मेरा जन्म है और शरीर के मरते ही मेरा मरण हो जाएगा, इसके बाद मेरा आगे कोई ठिकाना है या नहीं है, इस बात की स्वीकारता ही नहीं हो रही। इसलिए भैया चित्त में वैराग नहीं आ रहा, और वैराग तो छोड़ो, वैराग तो बहुत दूर की बात है, वैराग आएगा तब आएगा, अभी तो ये बात स्वीकार होने के लिए तैयार नहीं, अभी तो ज्ञान अंकुरण नहीं हो रहा, अभी तो आत्मज्ञान का अंकुरण नहीं हो रहा। किस ज्ञान का अंकुरण नहीं हो रहा? ये चलने वाली पर्याय और पर्याय धारा से मेरा मैं आत्मा भेद ज्ञान का अभ्यास करूं, अभी तो कैसा ज्ञान अंकुरण नहीं हो रहा। जीवात्मा चलते हुए परिणवन में कर्ता बुद्धि मत लगा, ज्ञाता दृष्टि लगा, चलने वाली पर्याय धारा में कर्ता बुद्धि मत लगाओ, चलने वाली पर्याय धारा में यदि तुम्हें लगाना है तो ज्ञाता तत्व का सिद्धांत लगाओ कि मैं तो जानने वाला हूं और परिणाम तो बीतने वाला है। लेकिन देखो तो उल्टी परंपरा चल रही है। कैसी उल्टी परंपरा चल रही है भैया? जानने वाला जाननहार वो ज्ञाता तत्व दृष्टि में आ नहीं रहा, जाननहार सत्ता वो दृष्टि में आ नहीं रही, वो दृष्टि में दिखाई क्या दे रहा है? चलने वाला बाहरी पर्याय परिणाम वो दृष्टि में दिखाई। और अपन रोज कह रहा भैया क्या कह रहा है? जीवात्मा दृष्टि का परिवर्तन ही आत्मसाधना है, क्रियाओं का बदलना आत्मसाधना नहीं है, बाहर के परिणाम का बदलना आत्मसाधना नहीं है, संयोगों का बदलना भी आत्मसाधना नहीं है, दृष्टि का बदलना आत्मसाधना। अच्छा क्यों दृष्टि का बदलना आत्मसाधना क्यों? ये तो याद है अपने को, दृष्टि का बदलना आत्मसाधना क्यों? चलिए बताओ दृष्टि का परिवर्तन आत्मसाधना क्यों? ये देखो तो सही बात है, दृष्टि का बदलना आत्मसाधना क्यों? दृष्टि को बदलने को आत्मसाधना क्यों कहते? दर्शन की परिभाषा क्या है? अपने जैन दर्शन, जैन दर्शन कहते कि नहीं कहते? अर्थात दृष्टि मतलब, जैन दर्शन मतलब आपका नजरिया, आपकी देखने की, आपका विजन, हाँ एक तरीके से आपकी सोच, आपकी विचारधारा। भगवान आत्मा आप और हम रोज कह रहे हैं ये आत्मा चैतन्य तत्व है, ये आत्मा ज्ञान दर्शन का समुदाय है, यानी इस उपयोग की दिशा अर्थात जहां इस जीव की दृष्टि होगी, इस जीव के उपयोग की दिशा ही उस ओर हो जाएगी, उपयोग की दिशा ही उस ओर मुड़ जाएगी। यदि आपकी दृष्टि अपने गायक स्वभाव में है तो आप किसी भी परिणाम के बीच में रहे, किसी भी पर्याय के बीच में रहे,
किसी भी घटनाक्रम के बीच में रहे, यदि आपकी दृष्टि आपके स्वभाव पे है तो आपका उपयोग आपके स्वभाव से जुड़ा रहेगा और परिणमन अपनी अवस्था में घटेगा तो निकल जाएगा। जी कोई विश्वास नहीं हो रहा ना, क्या विश्वास नहीं हो रहा कि यदि मेरी दृष्टि बदल गई तो ऑटोमेटिकली संसार अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। कल भी हमने इस सिद्धांत को सिद्ध किया था, कल रात में भी यही चर्चा हुई थी कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में 6 खंड के अधिपति होने के बाद भरत चक्रवर्ती ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, उसके अंतर में ऐसी कौन सी साधना प्रकट हुई, उसने ऐसी कौन सी शक्ति को जान लिया जिसके कारण से राज शासन और पुत्र परिवार के बीच में रहते रहते आवृत्ति की भूमिका में उसने ऐसा क्या प्रसाद कर लिया कि कपड़े उतारते से ही अंत मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ऐसा कौन सा प्रसाद किया उसने, उसके प्रसाद की चेतन धारा किस ओर बही, उसके अंतर प्रसाद की चेतन की धारा किस ओर बही, किस ओर बही मतलब कैसी बही, मतलब कि इतने सारे सहयोग होने के बाद भी, सवा सौ करोड़ रिश्तेदार नातेदार होने के बाद भी उसके अंतर चेतन की धारा कैसे बही, कैसे बही मतलब उसके उपयोग का परिणाम कैसे हुआ कि वो अंत मुहूर्त में केवल ज्ञान की रिद्धि ले आए। इस बात को विचार करने का, इस बात को चिंतन करने का अपने को अभ्यास करना, जब अपन अभ्यास करेंगे ना तभी अपने को पकड़ में आए कि उपयोग की धारा कैसे और कहाँ बह रही है। देखो पहले तो ये स्वीकार करो कि उपयोग की धारा का बाहर के परिणाम से कोई लेना देना ना, उपयोग की धारा का बाहर के परिणाम से कोई लेना देना नहीं। अच्छा भैया बाहर का परिणाम निमित्त है ना, भाव बिगड़ने में समझ लेना है कि नहीं। देखो देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हो, बाहर होने वाला परिणाम, बाहर जो घटनाक्रम चल रहा है तो बाहर का परिणाम निमित्त है कि नहीं, हमारे भाव बिगड़ने में और समझने में है कि नहीं, है कि नहीं। और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि उपयोग की धारा का बाहर के परिणाम से कोई संबंध नहीं, अब बताओ कौन सी बात सही है। हाँ एक तरफ आप क्या कह रहे हो कि बाहर के संयोग, बाहर के निमित्त हमारे भाव बिगड़ने और संभलने में निमित्त है, बाहर के निमित्तों से हमारे परिणाम संभलते भी है और बिगड़ते भी है, बाहर के निमित्तों से हमारे परिणाम ऊंचे नीचे होते हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमारे उपयोग की धारा का, हमारे ज्ञान धारा का बाहर के परिणाम से कोई लेना देना नहीं। दोनों में कौन सी बात सही, बताओ सही है, बताओ दोनों में से कौन सी बात सही है। बात तो आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, बात तो दोनों सही है। अज्ञानी जो जीव है, संसारी जो जीव है उनकी दृष्टि निमित्ताधीन है, संसारी जीव है जो संसार में अज्ञानी जीव है उनकी पर्याय दृष्टि होने के कारण, परिणमन की दृष्टि होने के कारण से उन अज्ञानी जीवों को होने वाले निमित्त के परिणमन से ही भाव बिगड़ते हैं और भाव समझते हैं। जिस जीव की दृष्टि पर्याय दृष्टि है, जिस जीव की दृष्टि पर्याय दृष्टि है उसे बाहर के निमित्तों से प्रभाव पड़ता है, जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे भाव बनते हैं, वैसी अंतर की दशा हो जाती है और वो जीव उस भाव की दशा में लिप्त हो जाता है। लेकिन भैया आपने अर्जुन को सुना है कि नहीं सुना, या फिर आपने भगवान राम की कहानी सुनी कि नहीं सुनी। रामचंद्र जी 6 माह तक अपने भाई के मृत शरीर को लेके और आप प्रत्याख्याना वर्ण कसाय को देने से 6 महीने के अंतर अंदर वो 6 माह तक अपने भाई को अपने कंधे में लेके घूमते रहे। कौन? राम। छाया सम्यक दृष्टि उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। अब आप ये बताओ वो भाव रूप परिणाम उनका दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, निमित्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या निमित्त दिख रहा है कि एक मुर्दा को लेके अपने कंधे में घूम रहा है, परिणाम दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, रोने का हंसने और रोने का भाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी बताओ रामचंद्र ज्ञानी क्या क्या,
ज्ञानी का परिणाम ऐसे कैसे हो सकता है? ये रामचंद्र जी जैसे ज्ञानी को इतना समय में नहीं आ रहा था क्या? इसमें चेतना निकल गई, ये तो मुर्दा है, इसको कंधे पे लेके घूमने से क्या लाभ? ऐसा कहो अपन, ये सिद्धांत कहो, सिद्धांत ये है कि नारायण का जीव को बलभद्र का जीव 6 महीने तक कंधे पे लेके घूमता ही है, पूर्व की उनकी निरान की धारा ऐसी बंदी होती है, तो उनका वो नियोगी है। जितने नारायण होंगे वो पिति नारायण को मारेंगे, और जितने पिति नारायण को मारेंगे वो नारायण जब मरेंगे तो उनका जो भाई है बलभद्र वो उनको 6 महीने तक कंधे पे लेके घूमेगा ही, ये तो कर्म नियोग है, ऐसा नियोगी है। लेकिन देखो 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 देखो, अब हमें उस कर्म नियोग से कुछ लेना नहीं, हमें सबका सबका ही होगा, सबका होगा। अब आपने बात को उदाहरण नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो नारायण के भाई बलभद्र होते ही हैं? हाँ, तो सब फिक्स है, नारायण पिता नारायण को मारेगा, बलभद्र उनका भाई हो गई, और वो ये घटना घटती है, नियोग ही है, कर्म नियोग है। हमें इससे, इस कर्म नियोग से हमें कुछ नहीं लेना है। हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें वो बात नहीं होनी। अब ये बताओ कि उस समय रामचंद्र जी के जो उपयोग की धारा होगा, हमें तो सिर्फ वो चाहिए, हमें तो उस होने वाले परिणाम से, उस होने वाली पर्याय के बीच में, उस घटने वाले घटनाक्रम के बीच में हमें यह सिद्ध करना है कि आप कह रहे निमित्तों से ही पूरा काम होता है, निमित्तों से ही भाव बिगड़ते हैं, निमित्तों से ही भाव संभलते हैं, तो उस समय रामचंद्र जी के उपयोग की धारा कहाँ है? यही बात तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो छायक समय दृष्टि है, वहां अपने चैतन्य की स्मृति में कोई अंतराय आने वाला नहीं है, और चैतन्य की स्मृति में तो छोड़ो, जो उनकी 18 क्रियाएं हैं बाहर में वो भी निर्दोष होनी है, छायक समय दृष्टि है, वहां कोई अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन देखो तो, देखो तो ये कर्म महावीरी जिस जो पूर्व में जैसा निदान वादा था वैसा अपना उदय में आए बिना रहने वाला नहीं है, तो आप अत्याख्यान वर्ण कसन की कसाई की जो राग की धारा थी वो वैसी की वैसी उदय में 6 महीने से एक समय पहले तक चली, और जहाँ 6 महीने का होने पूरे आएंगे अनंतन मंदी ना हो जाए उससे एक समय पहले वो खत्म हो जाएगी। क्यों? तो छायक समय दृष्टि को अनंतन मंदी का उदय आने वाला है नहीं, अनंत संसार उनका होने वाला है नहीं, उसी भाव से उन्हें निर्वाण को जाना है, उसी भाव से उन्हें मुक्ति को प्राप्त करना है। एक बात तो विचार करो जीवात्मा, ऐसे परिणाम के चलते समय भी उनके उपयोग की धारा कहाँ? देखो पर्याय में उपद्रव दिखाई दे रहा है, पर्याय में नाना प्रकार की विचित्रता दिखाई दे रही है, पर्याय तो ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपका और हमारा भी ना हो, परिणाम तो ऐसा दिखाई दे रहा है जो आप और हम भी ना करें, लेकिन वो कर्म का नियोग, वो कर्म की धारा, वो कर्म का जो प्रभाव है वो स्वतंत्र घट रहा है। तो देखो तो, देखो तो, देखो तो, लेकिन उनके अंतर हृदय में, उनके अंतःकरण में अपने ज्ञान की, अपने उपयोग की, उनकी ज्ञान धारा उस परिणाम से बिल्कुल अलग है। इसलिए अपन शास्त्र में पढ़ते हैं क्या कि एक साथ दो धाराएं चल सकती है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। भरत चक्रवर्ती, अर्जुन, रामचंद्र जी, 5 पांडव, ये सब इनका उदाहरण है, ये सब इनका उदाहरण है क्या कि ज्ञानी जी की एक साथ दो धाराएं चलती है, एक कर्म धारा चलती है, वो कर्म धारा अर्जुन जैसी प्रबल हो सकती है सहस्त्रारण सेना का वध करने, वो दुर्योधन जैसी हो सकती है। भैया दुर्योधन भी उस भाव से मुनि हो गया, चलो पांडवों को ले लो अपन, वो पांडवों जैसी हो सकती है भैया न्याय के लिए युद्ध करने की, वो रामचंद्र जैसी हो सकती है अपने भाई को कंधे पे लेके घूमने की, वो क्या बोलते हैं बलवंत सीता को खोजने रूप हो सकती है। भैया कर्म धारा और ज्ञान धारा
इन दोनों को आपस में कोई संबंध नहीं। ज्ञानी के लिए हमने पहले कह दिया, यदि कोई अज्ञानी है तो वो होने वाले बाहर के परिणाम में ही जुड़ेगा, और होने वाले बाहर के परिणाम में जुड़ के, होने वाली बाहर की पर्याय में जुड़ के, और पर्याय रूप निमित्त आदि ही उसके भाव होंगे। अरे देखो, हम एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप यहाँ बैठे हो और आपको तत्व चर्चा का निमित्त मिल रहा है, तो आपके अच्छे अच्छे भाव हो रहे हैं कि नहीं हो? अभी होता है निमित्त आदि भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो आप अज्ञानी भी ज्ञानी हमें तो भैया हमें हमारे प्रश्न का जवाब दे दो। आप यह तत्व चर्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? और तत्व चर्चा सुन रहा है तो भाव अच्छे अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो निमित्ताधीन भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ज्ञानी क्या ज्ञानी अज्ञानी की तो एक ही चलेगी, संसार दो नहीं चल सकती, ज्ञानी की दो, ज्ञानी की दो, दो ही चलेगी हमेशा, जब तक केवल ज्ञान, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक दो, दो धारण चल। अपन तो मिली जुली में आ रहे ना, अपन थोड़ी देर में बोलना सोचा कि हमें तो हमारे प्रश्न का सीधा जवाब था, घुमा फिरा मत, गोल गोल मत घुमा, हमने सीधा सीधा प्रश्न किया है। आप तत्व चर्चा सुन रहे हैं, आपको आपके भाव बड़े अच्छे अच्छे निर्मल निर्मल हो रहे हैं, हमें अच्छे अच्छा जवाब दे दो कि जब आपके भाव इतने अच्छे अच्छे हो रहे हैं तत्व चर्चा सुनने से, तो निमित्त के अधीन अच्छे भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तब आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी, बस खत्म। अब दो ही बात कह रहे हो, एक कह रहे हो कि निमित्ताधीन निमित्त के अधीन यदि भाव हो रहा है, निमित्त के अधीन यदि भाव अच्छे बुरे हो रहा है, तो एक तरफ कह रहा हूँ कि हम ज्ञानी है, अब आप कह रहा हूँ कि हमें तत्व चर्चा सुन के अच्छे अच्छे भाव हो रहे हैं तो हम ज्ञानी है, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? प्रश्न का समाधान दो जल्दी। निर्णय करना पड़ेगा, यही हमें पक्का निर्णय करके बता। द्रव काल भाव क्षेत्र, द्रव काल भाव क्षेत्र अनुसार जीव के परिणामों में अच्छा बुरा फल होता है, लेकिन हम ज्ञानी के अज्ञानी ये बता, निमित्ताधीन भाव हो रहे हैं तो ज्ञानी के अज्ञानी, या बात तो सही यही है कि निमित्त मात्र आपके लिए सहकारी है। अरे भाव तो आपके जो शुभ हो रहा है ना, अच्छे भाव हो रहा है ना, वो आपको उपादान से हो रहा है। यदि आपने यदि मंदिर आने के भाव नहीं किए होते, यदि आपको तत्व चर्चा सुनने की रुचि नहीं होती, स्वाध्याय करने के लिए आपको रुचि नहीं होती, यदि आपका उपादान प्रबल नहीं होता, तो इस निमित्त से आपको अच्छे अच्छे भाव होने वाले नहीं थे। निमित्त तो तटस्थ है, निमित्त तो साक्षी है, निमित्त तो आपके सामने उपस्थित है, लेकिन भाव आपके जो अच्छे अच्छे हो रहे हैं, वो स्वभाव, वो अच्छे भाव जो हो रहे हैं, वो आपकी ही उपादान की योग्यता है। यदि आपके उपादान में नहीं होता तो आपके भाव अच्छे, यहाँ सब बैठे ऐसा थोड़ी ना कि सबके भाव अच्छे अच्छे हो रहे हैं, कुछ लोगों के भाव ऐसे हो रहे होंगे कि पंडित जी तो आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, जल्दी से बंद करें तो घर जाए, है दो चार ऐसे भी होंगे ना? नहीं नहीं, आप तो सिर्फ इतना बताओ भाई, निमित्ताधीन भाव हो रहे हैं तो सही में अपना क्या नहीं है? अरे हम निमित्त को मान रहा है, निमित्त का बहुमान कम नहीं कर रहा है, निमित्त की महिमा कम नहीं कर रहा है, लेकिन निमित्त को मात्र साक्षी माना जाए, निमित्त को कायल होने में कारण ना माना जाए, कायल होते समय निमित्त की उपस्थिति स्वीकार करना सही है। भैया कारण तो अपनी स्वयं की रुचि, अपनी स्वयं की संभावना, अपना स्वयं का पुरुषार्थ, अपना स्वयं का, अपन ने जो पुरुषार्थ किया उसके फल से हमारे भाव अभी अच्छे अच्छे हो रहे हैं।
कार्य तो उपादान से ही हो रहा है, निमित्त तो साक्षी रूप में विद्यमान है। जिस दिन ऐसी दृष्टि हम तत्व चर्चा सुनते समय भी प्रकट कर लेंगे, इस निमित्त से हमारे अच्छे अच्छे भाव नहीं हो रहा है, निमित्त तो मात्र संयोग है, मात्र संयोग है। हमारे सुख भाव भी हमारी अंतर भावना के कारण से हो रहा है। ये पहले ये तो निर्णय कर लो कि सुख भाव का कारण भी हमारी अंतर की भावना है, हमारी विशुद्धि का कारण भी हमारी अंतर की भावना है, हमारा पूर्व पुण्य का उदय निमित्त बन रहा है, ये सब हमारा ही बोया हुआ है। जिस दिन अपन यही स्वीकार कर लेंगे ना कि निमित्त भी अकिंचित कर है, पुरुषार्थ तो मेरा अपना ही है, जिस दिन ये अपन स्वीकार कर लेंगे उस दिन ये पता लग जाएगा अपने को क्या ज्ञानी की दो धाराएं चलती, यहां सुनते हुए भी सुनाने वाले का महत्व नहीं है, सुनने हुए शब्दों का महत्व नहीं है, सुनते हुए भी महत्व तो अपने ज्ञायक तत्व अपने उपादान शक्ति का ही है कि उस उपादान के बिना कोई घटना नहीं घटती, उस चैतन्यता के बिना कोई अनुभव देने वाला नहीं है। यदि वो ज्ञायक मेरा स्वयं का उपादान ना हो तो मुझे अपने आत्मा की अनुभूति हो सकती नहीं। एक बार यही बैठ के तो निर्णय करो, निमित्तों के द्वारा कार्य नहीं होते, होते हुए कार्य में निमित्त उपस्थित होते हैं, निमित्तों के द्वारा कार्य नहीं होते लेकिन होती हुई घटनाओं में होते हुए कार्य में निमित्त उपस्थित रहते हैं। बिना निमित्त के कार्य होता नहीं है और निमित्तों से कार्य होता नहीं। तो ये सुनो, तो यदि आपकी और हमारी दृष्टि निमित्ताधीन है, आप और हम यदि निमित्त को ही सर्वत्र मान के बैठे हैं, तो भगवान आत्मा कभी भी हमें अपने उपादान की महिमा आने वाली नहीं है और हम कभी ये अनुभव नहीं कर पाएंगे कि ज्ञानी की दो धाराएं कैसे चलती। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, आप और हम क्या कहते हैं कि हम घर जाते तो हमारे भाव घर जैसे हो जाते, हम दुकान जाते हैं तो हमारे भाव दुकान जैसे हो जाते, हम बाजार जाते हैं तो हमारे भाव बाजार जैसे हो जाते हैं। यदि कोई हमसे यहाँ वहां की भिकथा करने लगे तो हमारे भाव राग देश में भिकथा में हो जाते हैं। हमें हमें हमारी दो धाराएं क्यों नहीं चलती, दुकान का काम भी होता रहे और अपने उपयोग ज्ञान धारा भी चलती रहे, दुकान का काम भी होता रहे और अपनी ज्ञान धारा भी चलती रहे, घर घर पुत्र परिवार के काम भी होते रहे और हमारी ज्ञान धारा भी चलती रहे, हमारी दो धाराएं क्यों नहीं चलती। बात इतनी सी है कि हम पर्याय दृष्टि को ही संसार कारण कहा, पर्याय दृष्टि को ही अनंत संसार कारण कहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी दृष्टि पर्याय आधीन है, हम मात्र होने वाले परिणाम को ही देखते हैं, हम निमित्ताधीन दृष्टि से ही जीते हैं, निमित्तों के अधीन ही हमारे परिणाम होते हैं। हमें आज तक अपने अंतर में विद्यमान अपने उपादान की महिमा नहीं आई, हमें अपनी चेतना की महिमा नहीं आई। यदि मेरा उपादान, यदि मैं जीव नहीं हूं, यदि मैं ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा, यदि मैं चेतन आत्मा नहीं हूं, तो यहाँ किसी निमित्त की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा आप बताओ, आप अपने आप को हटाओ, अपने आप को अलग कर दो, अपनी चेतना को अलग कर दो, इसके बाद इस दुनिया की कल्पना करके बताओ। ये प्रश्न हम सब्जेक्ट कर रहे कि आप एकमात्र अपनी चेतना को अलग कर दो, एकमात्र आप अपने आप को अलग कर दो, इसके बाद घर की पुत्र की परिवार की मकान की दुकान की सबकी कल्पना करके बताओ ना, अपने को अलग करें। एक और टास्क दे रहा है, आप यहां से अलग हो जाओ, अपने आप को अलग कर दो, उसके बाद यहां कितने लोग हो गिन के बताओ, अपने को अलग करके गिन के बताओ कितने लोग। लेकिन आप यहाँ नहीं होना चाहिए, बस हम तो सीधी बात कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं होना चाहिए, इस जगह आप यहाँ बैठे मत हो, उसके बाद गिनके बताओ कि कितने लोग हैं यहाँ। हाँ यही तो बता रहे हैं भगवान आत्मा कि तू चैतन्य तत्व गायक भगवान आत्मा है,
ये चेतन तत्व ये आत्मा नहीं है तो यहाँ किसी की कोई कीमत नहीं है, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे समाज हो, चाहे संप्रदाय हो, यदि यहाँ तुझे अपना बोध नहीं है, तू चेतन आत्मा नहीं है, तो यहाँ सब मिट्टी के मोल है, यहाँ किसी की कोई कीमत नहीं है, तुझे अपनी महिमा नहीं आ रही, मेरे बिना संसार में सब शून्य है। जिस दिन अपनी महिमा आ जाएगी उस दिन दो धाराएं हो जाएंगी, अर्जुन की तरह, रामचंद्र जी की तरह, भरत की तरह दो धाराएं हो जाएंगी, बाहर में कर्म धारा चलती हुई अलग हो जाएगी और अंतर में ज्ञान धारा चलती हुई अलग हो जाएगी, दो दो ज्ञानी की दो ही रहेगी और अज्ञानी की एक रहेगी। देखो तो अज्ञानी ज्यादा सुखी है उसकी एक रहेगी और ज्ञानी बेचारा दुखी उसकी दो रहेंगी, सही है? हाँ बोल रहे हो, चलिए बता। अज्ञानी महासुखी है उसकी एक रहेगी, जन्म लेगा तो दुख, मरण करेगा तो दुख, या फिर खाएगा तो सुख, भूख लगेगी तो दुख, अज्ञानी की एक रहेगी तो सुखी है। और ज्ञानी की, केवल ज्ञानी की बात नहीं चल रही, छद्मस्थ भूमिका भी ज्ञानी की बात नहीं चल रही, ज्ञानी की दो रहेंगी तब वो बेचारा बड़ा दुखी है कि यहां जाओ कि यहां जाओ, यहां जाओ कि यहां, चलिए बताओ कौन सुखी है? सुखी चलाएगा। जैसे अगर अपन वर्तमान में अपन सोचते हैं कि हमारा ये काम हो रहा होते हो क्या, अपन ये सोचते हैं उस समय ना, अरे वो नहीं होना था तो ठीक है, अगर जैसे अपन ये सोचा कि हमारा ये नहीं होना था तो वो सुखी हो जाता है, मतलब अपनी बात करते हैं। वर्तमान में भी किसी ने अपन से कुछ कहा, अपन ने ये मान लिया कि इतने हमसे नहीं कहा, मैं तो सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन जो सुरक्षित है, शरीर में कहा ठीक है जो बचा मेरे पास, वहाँ उस समय तो व्यक्ति दूधारा के कारण सुखी हो जाता है, तुरंत उसके परिणाम समान हो जाते हैं जो संकल्प करने के परिणाम। भगवान जी बस यही बात तो आपको सही में आए कि ज्ञानी की दो धाराएं, मतलब ज्ञानी की ज्ञान में आनंद की धारा निरंतर रहती है, वो आनंद की धारा एक समय के लिए भी नहीं छूटती। आप कहते हो ना ज्ञानी क्यों नहीं जुड़ता, पर से क्यों नहीं जुड़ता, तो ज्ञानी की ज्ञान धारा होने के कारण से उसकी ज्ञान धारा में आनंद की धारा निरंतर होती है, इसलिए उसके चेहरे पे उदासी, हताश बना या कोई आकुलता दिखाई नहीं देती, और कर्म धारा अच्छी हो या बुरी वो धारा उसकी अलग चलती रहती है, उससे उसे प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी को आनंद काय का है, ज्ञानी के अंदर जो निरंतर ज्ञान धारा चल रही है ना, उसे उसका आनंद है, इसलिए बाहर के सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होता। यही तो ज्ञान की विशेषता। और अपन अपने आप को तारण स्वामी के कुल को स्वीकार नहीं कर पा रहे, शुद्ध तारण पंथ को, गुरु महाराज की गाथाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए अपनी दो धाराएं नहीं हो पा रहे। अपने को एक में होके बहना अच्छा लग रहा है, अपने आप को पुरुष मान लिया, स्त्री मान लिया, तो इस अभिमान में जीना अच्छा लग रहा है कि हमने मकान बना लिया, हमने दुकान बना ली, हमने हमारे गाड़ी बंगले बन गए, हमें समाज में नाम हो गया, हमें प्रतिष्ठा हो गई, हमने क्या बोलते हैं देश में ऊंचा नाम कमा लिया, हम इस अहम में अज्ञान की अज्ञान धारा में जीने के लिए आतुर है, पर्याय में जीने के लिए बाध्य है, ये बाहर के सारे सहयोग हमारे हैं, हम इस अज्ञान मानता में जीने तैयार है, लेकिन यहाँ सर्वज्ञ की बात को स्वीकार करके कि इस सारे प्रणमन से मेरी चेतना भिन्न है, इसे आनंद में रहने तैयार नहीं, सुखी होने जब तैयार नहीं, और जो सुख निरंतर चलेगा उस सुख को स्वीकार करने तैयार नहीं है, ज्ञान धारा का सुख जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक चलेगा, और जिस दिन केवल ज्ञान होगा उसे अनंत सुख में बदल जाएगा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। लेकिन भैया सुनो तो, अपन उस शाश्वत सुख को स्वीकार करने तैयार नहीं, जन्म मरण के दुख होने, जन्म मरण के दुख होने तैयार है कि नहीं, चलिए बताओ जन्म मरण के दुख होने की तैयारी है कि नहीं है, है कि नहीं? तो एक धारा दोनों की होती है, एक केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान की एक धारा होती है, वो निरंतर अपने आत्म सुख में जीते हैं, और एक अज्ञानी संसारी मिथ्या दृष्टि जी की एक धारा होती है,
दो लोग इस जीवन में बहुत सुखी हैं। एक संसारी जीव जो जन्म मरण में संसार में ही हम सुखी मान रहे अपने आप को, जिसकी कल्पनाओं में ही जिसने काल्पनिक सुख को ही सुख मान लिया है, एक वो संसारी जीव जन्म मरण में सुखी है और एक अरिहंत सिद्ध केवल ज्ञानी परमात्मा जिन्होंने अपने अनंत सुख को प्रकट कर लिया है वो भी सर्व सुखी है। दो जीव सुखी है, एक मिथ्या दृष्टि और एक केवल ज्ञान। तो सर जन्म मरण में सुख लग रहा है ना, तो क्या करोगे? एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण में सुख लग रहा हो, भूख प्यास में सुख लग रहा हो, हमने परसों नरसिंह उदाहरण दिया था आपको, आपके सामने परोस देते हैं। भोजन करने के अगले समय से असाता वेदनी कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता, दिया था यही दिया था कि और कहीं दिया था पता नहीं, असाता वेदनी कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता, भोजन करा उसके एक समय बाद से असाता वेदनी कर्म का उदय प्रारंभ हो जाता है। और वो असाता वेदनी कर्म का उदय कब तक चलता है? मतलब आपने शाम को 6 बजे भोजन करा, तो 6 बजे भोजन करा तो 6:01 से, अब एक समय पकड़ में नहीं आता, तो 6:01 से असाता वेदनी कर्म का उदय प्रारंभ हो गया, थोड़ा थोड़ा भूख लगना प्रारंभ हो गई और शाम को पूरी रात बीत गई, पूरी दिन हुआ, 7 बजे तक जब उस क्या बोलते हैं आहार संज्ञा की उदीर्ण हुई, जब तो असाता 10 गुनी 20 गुनी हो गई, 100 गुनी हो गई, तब सुबह तीव्र झटपटा की भूख लगी तो सुबह आपने फिर 10 बजे भोजन कर लिया। तो भोजन करने का सब कितनी देर होगा? 10 बजे भोजन शुरू किया तो 10:10 15 मिनट 20 मिनट 10:30 तक 5.5 घंटे, और असाता बेतनी का भोग कितनी देर किया? और रात के 12 घंटे को जोड़ लो और 5-6 घंटे ये जोड़ ले रही रात में नहीं करते, 18 घंटे असाता वेदनी के दुख भोगने के बाद। कितना मूर्ख जीव है ये, इसकी मूर्खता की कोई लिमिट नहीं है। 18 घंटे असाता वेदनी भूख का दुख भोगने के बाद सुबह भोजन मिला, मन चाहा भोजन मिला, मन ने कहा हलवा चाहिए, पूरी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, नाना प्रकार की रुचि की चीज ने ग्रहण कर ली, तो 18 घंटे 16 घंटे असाता वेदनी भोगने के बाद 15-20 मिनट की जो साता मिल गई उसको अपनी तृप्ति मान ली, हमारा तो पुण्य का हो रहे हैं, हमने तो हलवा पूरी गुलाब जामुन खा लिया, वो 18 घंटे की वेदना भूल गया, 18 घंटे से वेदना चल रही थी, असाता वेदनी कर्म को दे चल रहा, भूल गया कि ये 15 मिनट का सुख तो इस भोजन के बाद फिर वो असाता उदय में आ जाएगी। और जीवात्मा आज मनुष्य मिला है इसलिए पुण्य का उदय है, अगर तू नरक में होता तो ये असाता वेदनी इतनी होती कि तू 3 लोगों का अनाज खा जाता, लेकिन एक कण भी खाने नहीं मिलता, गनीमत है कि मनुष्य भाव में है तो मिल रहा है, और नरक में होता तो नरक में होता था असाता तो यही होती जो आज है, लेकिन अनंत गुनी होती, लेकिन मिलता एक बूंद भी, मिलता क्या एक बूंद भी नहीं मिलता ना, इतनी ही तीव्र असाता होती लेकिन प्राप्त एक बूंद भी नहीं होता। लेकिन देख 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 आज पुण्य उदय के अहंकार में तू इतना वाकुल है कि तुझे असाता दिखाई नहीं दे रही, तुझे वो 10-15 मिनट का पुण्य उदय दिखाई दे रहा है, वो 10-15 मिनट का भोग दिखाई दे रहा है, वो 10-15 मिनट का सुख दिखाई दे रहा है जो भोजन करते समय प्राप्त हो रहा, लेकिन दुख दिखाई दे रहा है क्या 18 घंटे? भाई ऐसे ही आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, लोभ के माध्यम से और इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा हो जाए, ये वेदन, ये इच्छा दिन रात दुख देती रहती है। और यदि साल में प्रॉफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है, तो वो 2-4-5 साल का सुख, वो जो दुख होगा मन परिग्रह का, मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए, 25 साल तक मकान बन जाए, इस परिग्रह की भावना में, कौन सी भावना, कौन सी संख्या, परिग्रह संख्या में तुमने 25 साल तक दुख होगा, तो मकान बन के खड़ा हो गया तो अपने आप को क्या मानने लगे सुखी, पागल तो नहीं हो गए, दिमाग तो नहीं सिर्फ अच्छा रहता है, आपको दिमाग तो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, बताओ तो दिमाग तो रिश्ता नहीं हो गया, सोचो आकुलता कितनी भोग रहा है मेरा जी, उस और निराकुलता कितनी, उनका उन्हें कितना सा।
उनने कहा कितनी देर के लिए मिल रहा है और आकुलता कितनी देर के लिए मिल रही है। आकुलता अलग है, अभी भी आज पंचम काल में जन्म लिया है तो आज असाता ज्यादा है असाता कम है, लेकिन ऐसी असाता की अधिकता होने के बाद भी मेरा जीव अज्ञान में इतना काफिल है तो उसे थोड़ी सी साता दिख रही है। वही वाला उदाहरण से दोहरा है कि कुएं में नीचे सांप दसने तैयार है, ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता दस रहा है और डाल को चूहे कतर रहे हैं और जीव नीचे गिरने वाला है, इतनी वेदना को भोग रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है एक बूंद सुख की मिल जाए, सुबह बढ़िया हलवा पूरी खाने मिल जाए तो आंख खुल जाए। लेकिन वो रात भर की वेदना, वो असाता वेदनी कर्म का उदय, वो अंतर में उत्पन्न होने वाली क्षुधा, उसका कोई बोध ही नहीं है। जीव को असाता का बोध आ जाए, उस क्षुधा का बोध आ जाए, उस वेदना का बोध आ जाए कि मेरी आत्मा इस भूख की प्यास की जन्म की मरण की मेरी आत्मा परम सुख खोज के परिग्रह में सुख खोज के मेरी आत्मा कितनी वेदना को प्राप्त कर रही है। यदि जीव को वेदना दी जाए तो अब भी आली जीव भेद ज्ञान कर ले, अब भी आली इसकी दो धाराएं हो जाए, ये बाहर तो दुख के अलावा और कुछ है नहीं, और जीव आत्मा सच्चा सुख तो मेरे अंतर में ही है, मैं गायब कर से भगवान आत्मा की हूं। अब भी आली निर्णय हो जाए, अब भी आली दो धाराएं हो जाए, ये बाहर की धारा तो सब दुख में है आकुलता में है कर्माधीन है, स्पंद पाप साता असातो तो कर्माधीन है, लेकिन मैं ज्ञायंतर भगवान आत्मा तो शाश्वत हूँ रूप हूँ और अनादि अनंत सुख में हूँ। नहीं हो रहा अभी भी निर्णय, हो रहा है कि नहीं निर्णय? 24 घंटे में सुख कितनी देर और दुख कितनी देर ना? अच्छा ये बताओ, मन में आकुलता कितनी देर रहती है और निराकुलता कितनी देर रहती है? दुकान की टेंशन, घर की टेंशन, खुद परिवार की टेंशन, ये कितनी देर रहती है? शांति आनंद सुकून ये कितनी देर कितनी देर? हमें तो आप अपना अनुपात निकाल के दो, हम आत्मा की चर्चा कर ही नहीं रहे, हमें आत्मा से तो बेसी नफरत है। आप तो ये बताओ कि आपके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक आकुलता कितनी देर है और निराकुलता कितनी देर है, बस इतना सा बताओ। चलिए बताओ, तो टाइम निकल रहा है निराकुलता 2 मिनट के लिए निराकुलता होती है, उसमें फिर पत्नी आवाज लगाने लगती है, बच्चे आवाज लगाने लगते हैं, तो वो 1-2 मिनट के लिए निराकुलता मिलती है, वो भी 2 मिनट बाद इतनी तो है होती, इतनी है ना वो 1-8 मिनट यदि कल्पनाओं में सुख भोग ले, शांति देख से सुख भोग ले तो ठीक है, भौतिक सुख पुण्य का उदय जितनी देर आ जाए, टीवी देख ले या मन मोबाइल में लग जाए उतनी देर सुख है, और बाकी पूरे टाइम तो भगवान जी सुबह से लेकर शाम तक आकुलता को भोग रहे हैं। वो तो मोक्ष वाली बात है, वो तो आत्मार्थी जीव का लक्षण, वो तो कल्याणार्थी जीव का लक्षण है। संसारी जीवों से पूछो कि तुम संसार में सुखी कितनी देर रहते हो और दुखी कितनी देर रहते हो, तो 90% का अनुपात दुख का है और 10% का अनुपात सुख का निकलेगा, यदि कोई ढंग से निकाले तो। यदि किसी का मैथमेटिक अच्छा हो, यदि किसी का कैलकुलेशन अच्छा हो, तो वो अच्छे से यदि मैथमेटिक निकाले तो 90% आकुलता
तो मुश्किल से 10% निराकुल था। बचपन का समय खेल कूद के निकल गया, बस वो ही निराकुल था। उसके बाद जहां बड़े हुए उसके बाद तो हमने शांति देखी नहीं है। शांति क्या सुनो तो हमने देखी नहीं है, लेकिन उस शांति को पाने का वर्तमान में भी कोई उपाय भी बाहर है। भैया मकान बन जाए तो मिल जाएगी, दुकान चल जाए तो मिल जाएगी, शादी हो जाए तो मिल जाएगी, बच्चे हो जाए तो मिल जाएगी, बच्चों की शादी हो जाए तो मिल जाएगी। आकुलता पे आकुलता बढ़ती जा रही है, आकुलता पे आकुलता बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं शांति ढूंढता ढूंढता और शांति कहीं मिल जाए और शांति कहीं मिल जाए, मैं शांति को ढूंढता ढूंढता भटक रहा हूँ। शांति किसी को मिल रही है? मिल रही हो तो बताए, कहाँ से मिल रही है? नहीं मिल रही। भक्ति आत्मा 24 घंटे दुख भोग रहा है, 24 घंटे आकुलता भोग रहा है, तो कम से कम अब तो सच्चे सुख का उपाय कर दो। अब तो अपने को गुरु महाराज के निवेश से ज्ञान का मार्ग मिला है, अब तो अपन भेद ज्ञान की बात को समझने लगे हैं, अब तो अपने को ये पता लग गया ना कि शाश्वत सुख तो मेरे अंदर में है। तो भगवान आत्मा अब तो अपनी दृष्टि अंदर में हो सकती कि नहीं हो सकती? अब तत्व का विचार हो सकता कि नहीं हो सकता? अब पुण्य पाप का निर्णय हो सकता कि नहीं हो सकता? कि हमारे असाता कर्मों की वजह से भूख प्यास लग रही है, हमारा मानसिक पाप कर्म का उदय है, इसलिए हम दिन भर चिंता और आकुलता में डूबे हुए हैं। भैया यदि यही भेद ज्ञान हमने किया होता, यदि यही तत्व को हमने स्वीकार किया होता कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो मेरे जीवन में ये दुख आज तो सुख का उपाय हो सकता कि नहीं? नहीं हो सकता। आया पे दो धाराएं हो सकती कि नहीं? ज्ञान धारा कर्म धारा नहीं हो सकती? हो सकती नहीं? हो सकती। भगवान जी जब आप कह रहे हो आज हमारी दो धाराएं हो सकती है, आज मैं कर्मोदय को कर्मोदय स्वीकार कर सकता हूं, इतना चयोत्सम इतना ज्ञान जिनवाणी से इतना मर्म में जान सकता हूं कि कर्म का उदय कर्म संयोग मेरी चेतना से अलग है, मैं चेतन आत्मा इन परिणाम से अलग हूं। आज दो धाराएं हो सकती है, लेकिन भैया हमें रुचि कहाँ की है ये तो बता। कहाँ की रुचि है? देखो समय हो रहा है, समय अपनी गति से भाग रहा है, एक घंटा हो जाएगा और हम स्टॉप हो जाएंगे, आपको पता ही है। लेकिन ये तो बताओ, बिल्कुल सामान्य चर्चा करी है आप, आपके और हमारे जीवन का दुख सामने है, ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं कि संसार में दुख है। जिनेंद्र भगवान ने झूठ बोला हो, गुरु महाराज ने झूठ बोला हो कि भैया क्या बोला है, संसार दुखम जिनेंद्र विरक्त, ऐसा नहीं कि तारण स्वामी अपने मन से बोल गए। आपको और हमें, आपकी और हमारी परिणति में, आपके और हमारे सहयोग में दुख सामने दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा हूं तो बताओ सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप उनका सामने दिखाई दे रहे कि नहीं दे रही? चिंताएं सामने दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? भैया जब दुख सामने दिखाई दे रहा है, इसका निराकरण करने का उपाय बताओ ना। जब दुख सामने दिखाई दे रहा है तो इस दुख का निराकरण करने का उपाय है? कोई उपाय? क्या उपाय? जब ये बात आती है तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है शमशान में बैठे, बताओ ना क्या उपाय? आत्मा आत्मा की बातें तो फालतू है, धर्म धर्म तो सब फालतू चीज है। मंदिर आ जाओ सर पटक दो, इसी का नाम धर्म है। ये भेद ज्ञान की बातें, ये ज्ञायक सभा को स्वीकार करने की बातें, ये तो कहानी किससे है? अर्जुन का उदाहरण दे दो, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे दो, तारण स्वामी के जीवन कथा सुनाओ, महापुरुषों की कथा सुनाओ, कहना ये तो पौराणिक बातें हैं, ये तो कहानी किससे है? इन कहानी किस्सों में कोई नाम नहीं है। ऐसा
भगवान जी एक बात तो बताओ, उनके ऊपर सिगड़ी जल रही थी, तुम्हारे ऊपर कौन सी जल रही है? उन्हें तो गरम गरम आभूषण पहनाए गए थे लोहे के, तुम्हें कौन सी आकुलता है? तुम तो एसी में बैठ लो। नारायण स्वामी को तो जहर दिया था और उनकी साधना के प्रताप से वो अमृत हो गया था। नारायण स्वामी को तो नदी में डुबाया था, लेकिन उनकी साधना के प्रताप से उनकी नौकर मरना इतनी पुलकित हो गई थी कि नदी का जल भी उन्हें डुबा नहीं पाया, निकल के बाहर आ गए थे भगवान जी। लेकिन आप तो हमारे पास कौन सा उपचार है, कौन सी व्याधि है इतना बड़े पंखे की हवा में बैठ के जिनवाणी सुन रहा है, कौन सी आकुलता है? कौन सी आकुलता है? कुछ नहीं है। भगवान आत्मा उन्हें सहलन थी तो उपसर्ग भी तो थे। ये बात मान रहा है कि उन्हें सहलन थी तो उन्हें ऐसी छुदाई नहीं होती थी, ऐसी ठंड गर्मी भूख प्यास इतनी सदाई नहीं होती थी, ये बात तो सही है। लेकिन भैया आपको हमें तो छुदा हो रही है, तो उन्हें तो छुदा नहीं होती थी, तो उन्हें तो आत्मा को प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं थी। और आप और हम तो छुदा में मरे जा रहे हैं दिन रात। इस छुदा में आपकी और हमारी चेतना तो इन इच्छाओं में, इन कामनाओं में, इन छुदा में आपकी और हमारी चेतना तो दिन रात आकुलता को भोग रही है। उन्हें छुदा नहीं थी तो उन्हें आत्मकल्याण करने की जरूरत भी नहीं थी। तो आपको और हमें तो छुदा ही छुदा है, फिर भी आत्मकल्याण करने की जरूरत? आप ये कहते हो ना, उन्हें तो इच्छा ही नहीं थी, उन्हें तो दुखी नहीं था, उन्हें तो शरीर में कोई व्याधि नहीं थी, उन्हें तो एक बार भूख लगती थी, आंवले बलावर भोजन करते थे और दिन भर घूमते फिरते थे, वज्र जैसे शरीर थे, है कि नहीं थे? तो चौथे काल की बात, उन्हें तो छुदा ही नहीं थी, उन्हें तो आत्मा की बात सुननी नहीं चाहिए थी, उन्हें तो मुख जाना नहीं चाहिए था। लेकिन आप और हम तो दिन रात जैसे कुत्ता भूखता है ना, भौं भौं करता रहता है, वैसे भूख प्यास ये चाहिए वो चाहिए, ये ला दो वो ला दो, ये कर दो वो कर दो, आपको हमें तो दिन रात छुदा ही छुदा है कि नहीं भैया? जिन्हें छुदा नहीं थी, जिन्हें अपने से आधी छुदा थी, एक बार आंवले बलावर भूख भोजन करने को जिन्होंने दुख मान लिया और संसार से ग्रस्त हो गए, वो ज्यादा अच्छे है कि हम दिन में भी खा रहा है, रात में भी खा रहा है, भक्ष भी खा रहा है और अभक्ष भी खा रहा है, इसके बाद भी संसार से वैराग नहीं आ रहा, हम कौन सी गति में जाएंगे, हम कहां जाके जन्म लेंगे, ऐसा चिंतन नहीं हो रहा, हम ज्यादा अच्छे ये बताओ। जो एक बार आंवले बराबर भोजन करके और वो आंवले बराबर भोजन करने को दुख मान बैठे, इतने भोजन करने की छुदा भी दुख है, वो अच्छे या हम पेट भर भर के दोनों टाइम थाली भर भर के जो खाने में ही लगे हैं, दोनों टाइम में चारों टाइम, अब चार टाइम में छह टाइम, जब भूख लगी तब पेट भर भर, हम ज्यादा अच्छे कि वो ज्यादा अच्छे? तो बताओ भैया, दुख का निर्णय हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं कि उनके पास दुख का निर्णय करने का ज्यादा अच्छा समय था? तो दुख का निर्णय करने का वो सुखम दुख, वो दुखम सुखा काल था, तो वहां दुख कम था और सुख थोड़ा ज्यादा था, और ये दुखम काल है, यहां सुख तो है ही नहीं, दुख के अलावा और कुछ है। तो एक बात बताओ, ये संसार दुख रूप है, ये निर्णय करने के लिए अच्छा समय वहां था कि यहां है? है? यहाँ दुख ज्यादा है। अब आपकी बात उल्टी पड़ गई, दुख का निर्णय करने के लिए अच्छा अवसर हमें है कि उन्हें था? हमें है ना, क्योंकि उनसे 10 गुना नहीं, बहुत ज्यादा दुख हमारे जीवन में है, उनसे अनंत गुनी इच्छाएं, उनसे अनंत गुनी छुदाएं, उनसे अनंत गुनी अज्ञान मानता है, होने से अनंत वेदना हमारे अंदर में है। भगवान देखो तो अज्ञानता, आखिरी 2-3 मिनट बस, देखो तो अज्ञानता कि इस दुख के बाद भी, इतने आकुलता के बाद भी मेरा जीव अपने अंतर आत्मा को पलटने के लिए तैयार नहीं है,
भगवान की वाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी अनंत वेदना के बाद भी, जन्म मरण के इतने भूख प्यास के इतने दुख होने के बाद भी मुझे आत्मा की रुचि नहीं लगती। ये भगवंतों की बात कल्पना लगती है, ये आचार्यों की बात ऐसी लगती है जैसे किस्से और कहानियां हो। भैया आज भी मुझे अपने आत्मा की स्मरण नहीं, अपने कल्याण करने की रुचि नहीं। सोचो तो, हम समझदार थे कि वो समझदार थे? चौथे काल में कम दुख होने के बाद भी अपना आत्मा कल्याण करके तो निर्वाण को चले गए, या हम मूर्ख हैं खाके पीके अपना पूर्ण पुण्य का भोग करके नरक और निगोद में चले जाएंगे? हम समझदार हैं कि वो समझदार थे? अब हमारा क्या होगा? आखिरी निर्णय कर दो, 10 बज गए, हमारा क्या होगा? अरे निर्णय दो जल्दी से, हमारा क्या होगा? भैया सर्वसम्मति से निर्णय ले आता है कि हम नर्क को निगोद में जाके तारण तारण जबलपुर समाज के वरिष्ठ लोगों की महा मीटिंग में यह निर्णय दिया गया है, समाज बंधुओं की मीटिंग में, कि हम जाके नर्क और निगोद में फाइनल कर दे। भैया चलो आज के लिए अपन निर्णय पेंडिंग में छोड़ देते हैं, हम निर्णय नहीं सुनाते। अरे भैया अभी भी यदि चेत गए, अभी भी समझ गए, अभी भी अपनी दो धाराएं हो गई कि बाहर चलने वाला परमन कर्मदेह जन्म है और अंतर में रहने वाला मेरा जीव तत्व इस परमन से भिन्न है, यदि आज भी आत्मा की प्रतीति जाग गई, आज भी अंतर आत्मा का बोध आ गया, भगवान की वाणी यदि सत्य लगने लगी, जिन्हें भगवान के वचनों का यदि रुझान हमारे अंतर में प्रकट हो गया, तो आज भी मेरा जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है, दुखों से छूट सकता है, आज भी मेरे कल्याण का मार्ग बन सकता है। भगवान जी जितनी गई सो गई, जो गई सो गई, अब जितनी जिंदगी बची है भगवान आत्मा उसे समता भाव से और भेद ज्ञान पूर्वक यदि अपन जी ले, ये जीव जुदा और पुनर जुदा, इतने समता भाव से यदि अपन जीवन जी ले तो अपनी आत्मा का हित होने में ज्यादा देर लगने वाली। या आज के दिन अपन दुख की चर्चा ज्यादा करी है, सुख की कम करी है? तो दुख की चर्चा इसलिए करी है कि इस दुख से छूटने की भावना अंतकरण में जगे, हमें लगे कि भूख प्यास दुख है, जन्म मरण दुख है, जो इच्छाएं वांछाएं अंदर में चल रही है, विकल्प अपने अंदर में चल रहा है, वो आपों का दुख है, और इससे भिन्न होके मेरे आत्मा में सुख ही सुख है। एक बार ये निर्णय हो जाए मेरा उपयोग पलट के अंतर की ओर आ जाए और मेरा जीव इस संसार के जन्म मरण से छूटे, ऐसा ही सद्गुरुवर आचार्य श्रीमद् चिंतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारणतरण भट्टाचार्य जी महाराज की जय हो।